हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल सियो विद कमल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई इसी कुर्ती का फुल स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग का ट्यूटोरियल। और इसी कुर्ती की मैंने कटिंग का ट्यूटोरियल पहले शेयर किया हुआ है मेरे चैनल में, तो आप वो विजिट करके देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस कुर्ती का मैंने फ्रंट नेक पहले ही बना लिया है और इसका ट्यूटोरियल भी मैंने चैनल में पोस्ट कर दिया, और इसका मैं लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में भी आपको इस नेक का डिज़ाइन मिल जाएगा ये वाला। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा जो बैक नेक है जिसमें हम रेव टेप लगाते हैं, मैं वो बाद में ही कट करती हूँ। अगर आप बुकरम वाला ही बना रहे हैं तो मैं साथ में ही बना लेती हूँ। तो अगर आप रेव टेप बना रहे हैं तो आपको इस तरह से आपके नेक को प्लेस करना है, और जितना आप सिलाई में मार्जिन देते हैं रेव टेप लगाते टाइम, उतना मार्क आपको लगा लेना है आगे की तरफ। और या फिर आपको जो रेडी नेक रखना है आप उसे 2 पॉइंट कम करके भी मार्क लगा सकते हैं। तो इसी तरह इसकी लेंथ मैंने 5 इंचेस कट की है, क्योंकि 4.5 इंच ये रेडी होगा और मैंने 1 इंच की शेप दी है नेक के लिए, और इसी शेप पे हम इसे कट कर देंगे। देखिए, हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब हम रेव टेप कट करेंगे, तो हमें पहले जो लेफ्ट ओवर हमारा फैब्रिक है जो बचा हुआ है उसे इसी तरह से तिरछा फोल्ड कर लेना है। आपको जितनी लॉन्ग रेव टेप चाहिए आपको उसी तरह से इसे फोल्ड कर लेना है, और इसी तरह बीचों बीच में से हम कट कर देंगे। और जो रेव टेप की मैं विड्थ कट कर रही हूँ वो मैं 1.5 इंच कट कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह से मार्क लगा लेने हैं और उन्हीं मार्क के ऊपर हम इस रेव टेप को भी कट कर लेंगे। और अब जो है हम इसे बैक नेक पे अटैच करेंगे, तो हमें बैक पैनल को सीधा रखना है। रेव टेप की सीधी साइड हमारे जो कुर्ती का बैक पैनल उसकी तरफ होनी चाहिए, और इसी तरह हमें मशीन के फुट का मार्जिन छोड़ते हुए इसे अटैच करना है। मैं इसे नॉर्मली रख के लगा रही हूँ रेव टेप को, मैं इसे स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ। और इसी तरह हमें एंड तक सिलाइयाँ लगा देनी है। और अब इसमें हम वी शेप के कट लगाएंगे। आपको बस ध्यान में रखना है कि आपकी सिलाई कट ना हो, तो मैंने कट लगा लिए हैं। और अभी हमें जो है इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो हमारी रेव टेप की तरफ हो, ऊपर की तरफ। और जितनी हमें रेव टेप चौड़ी रखनी है, विड्थ रखनी है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर पकड़ के इसे सेट करना है रेव टेप को, और सिलाई लगा देनी है एंड तक। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारी रेव टेप का वो हम कट कर देंगे। देखिए, हमारी रेव टेप बहुत ही सफाई के साथ अटैच हुई है। और अब जो है हम बैक पैनल और फ्रंट पैनल के शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने बैक पैनल को इस तरह से रखा है, दोनों की जो सीधी साइड है वो बाहर की तरफ है, और जो अंदर की साइड है दोनों पैनल्स की वो उल्टी साइड है। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। और सेम इसी तरह हमें रेव टेप को आगे की तरफ बढ़ा के रखना है, और जितना हमारा शोल्डर है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है बहुत ही थोड़ा मार्जिन लेते हुए। और अब जो है हम इसकी उल्टी साइड टर्न करेंगे, क्योंकि ये हमने सीधी साइड सिलाई लगाई थी, तो हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है फैब्रिक को, और इसी तरह फोल्ड करके रेव टेप को हमारे फ्रंट पैनल के ऊपर घुमा के रखना है। और जितनी विड्थ वाली सिलाई आप लगानी है आपको शोल्डर अटैच करने के लिए, आप उतनी सिलाई लगा दें। और इसी तरह हमें इस तरफ भी सिलाई लगा देनी है। और फ्रेंड, जब भी आप कुर्ती स्टिच करते हैं कटिंग के टाइम, आपको फ्रंट पैनल को जो है 1/2 इंच डाउन कट कर देना है ऊपर की तरफ से, शोल्डर साइड से, जिससे आपकी कुर्ती बैक की तरफ नहीं जाएगी। और आप डिटेल में ट्यूटोरियल भी देख सकती हैं कटिंग का जो मैंने पहले पोस्ट किया था। तो हमारे शोल्डर्स अटैच हो गए हैं, तो देखिए हमारे शोल्डर बहुत ही सफाई के साथ अटैच हुए हैं, और ये रेव टेप हमारी जो है स्टिचिंग मार्जिन के ऊपर की तरफ से आ जाती है। तो अभी जो है हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो हमें इसी तरह से सिलाई लगा के इसे सिक्योर करना है जैसे ये उधड़े नहीं। और अब और ये वाली सिलाई जो है हमें जहां पे हमारे स्लेट शुरू होते हैं वहां तक हमें लगानी है, और यहीं से हम इसे टर्न करके हम 1 फुट का मार्जिन देते हुए लूजिंग वाली सिलाई भी लगा देंगे।
और सेम इसी तरह से हम इस साइड भी फिटिंग लगा देंगे। तो हमने दोनों साइड पे जो है फिटिंग लगा ली है और अब हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस डिज़ाइन का वीडियो आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। तो अभी जो है हम इसको रेडी करेंगे हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो आपको शोल्डर को इस तरह से मेज़र करना है, जहाँ तक हमारी सिलाई शुरू होती है वहाँ पर हमें इंच टेप रखना है और इसे इसी तरह सेट करते हुए दोनों फैब्रिक को एक साथ मिलाते हुए हमें मेज़र कर लेना है। जैसे कि 10 इंचेज आई है तो जहाँ पे हमारी स्लीव की 10 इंच आ रही है ऊपर से हमें मार्क कर लेना है। और इसकी मुरी जो है मैं 6 इंचेज रख रही हूँ और इस तरह से हमें इंची टेप को प्लेस करना है क्योंकि ये लूज स्लीव्स ही हैं, तो मैं स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ। और इस तरह से हमें इसे सिक्योर सिलाई लगाते हुए पहले हम नीचे पैटर्न पे सिलाई लगाएंगे और अब हम ऊपर से भी उसी तरह मार्क के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे एंड तक। फ्रेंड्स, जिस नीचे से जो हमारे पैटर्न है उस पर हम तरपाई कर देंगे दोनों साइड पे और अब हम इसे सीधा करेंगे। हमें हमारी स्लीव को सीधा कर लेना है और जो हमारी कुर्ती है उसको हमें उल्टा ही रखना है। और हमें ये स्लीव लगाते टाइम ये ध्यान में रखना है जहाँ पे हमारी फ्रंट का कुर्ती की जिस साइड पे ऊपर की तरफ आ रही है उसी साइड पे हमें स्लीव की रखनी है और इस तरह से उसे अंदर ही डाल के हमें स्लीव को और इसके स्टिचिंग मार्जिन को वी शेप में फोल्ड कर देना है और इसकी ऑल अराउंड अब हम सिलाई लगाएंगे और हमारी स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो हमें इसी तरह एंड तक हमारी स्लीव को अटैच कर लेना है। तो देखिए हमारी स्लीव अटैच हो गई है और ये परफेक्टली एक बार में ही अटैच हो गई है अगर आप मेजर करके लगाते हैं इसी तरह से। तो हम इस तरह से दूसरी स्लीव भी लगा देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे जो हमने मार्क लगाए थे 2.5 इंच पे, उससे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हमें इस पे बड़े टंके से सिलाई लगाएंगे। हमें दोनों पैनल्स पे इसी तरह से फोल्ड कर लेना है नीचे से। तो मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है और जितना हमारा घेरा रेडी है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क करके हमारे स्लिट्स को भी फोल्ड कर लेना है और इसे इसी तरह सेट करते हुए जहाँ पर तक हमारे स्लिट शुरू हो रहे हैं वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। और इसे इसी तरह से वहाँ से हम टर्न कर लेंगे और दूसरे स्लिट्स में आएंगे तो हमें इस तरह से दूसरी तरफ भी सेट कर लेना है, जिससे हमारा जो है स्लिट्स जब हम सिलाई लगाते हैं वो आगे बढ़ेंगे नहीं नीचे की तरफ और इक्वली ही आएंगे हमारे बॉटम तक। तो इसी तरह हमें इसे सेट करके सिलाई लगा देनी है। तो सेम इसी तरह से हम इस साइड भी रेडी कर लेंगे। मैंने 1.5 इंच की एक स्ट्रेट पट्टी कट की है स्टॉपर लगाने के लिए। तो इसे इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और जितनी हमें स्ट्राइप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें ये दोनों कट करके बना लेनी है। और जो हमारी शोल्डर की सिलाई है, जिस सिलाई वाला मार्जिन है उसके ऊपर हमें इसी तरह से प्लेस करना है और जिस पे हमने स्लीव को अटैच किया था उस स्टिचिंग मार्जिन के ऊपर हमें स्टॉपर को अटैच करना है। और सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई मार्जिन के ऊपर स्टॉपर को रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो हमारे स्टॉपर्स भी अटैच हो गए जिस पे हम बटन लगा लेंगे बाद में। तो ये है हमारी कुर्ती की कंप्लीट लुक। तो इस तरह से आप भी आसानी से कुर्ती को स्टिच कर पाएंगे। तो और अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से आप भी अपनी कॉटन कुर्ती को रेडी कर सकते हैं और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इसे शेयर भी करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तो फ्रेंड्स, मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।